अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ फैसल हुसैन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पिज्जा टोस्ट की एक बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। पिज्जा टोस्ट बनाना नहायत ही आसान है। कब तक आप अपनी ईद के ऊपर वही घिसी पिटी चीजें बनाते रहेंगे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कोई ऐसी यूनिक चीजें शेयर करूँ जिससे जब आप ईद पर बनाए तो लोग बोले वाह क्या टेस्ट बनाई आपने। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ कि हम क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बहुत मजेदार डिश बनने वाली है। स्लाइस चीज की आपको जरूरत होगी, मोजरेला चीज आपके पास होनी चाहिए, चिकन आपके पास होनी चाहिए, ऑयल है आपका, टिक्का मसाला क्योंकि हम इसके ऊपर टिक्का फ्लेवर ऐड करेंगे तो आपका टिक्का मसाला जो आता है शान का आप उसे यूज करेंगे। उसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास कैप्सिकम है, अनियन है, डबल रोटी आपको चाहिए होगी, व्हाइट ब्रेड जो होती है उसे आपने इस तरह रख लेना अपने पास, इसकी साइडें मैं काटूंगा, काटने के बाद बीच में चीज लगाऊंगा, चीज लगाने के बाद मैं आगे आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ किस तरह बनाते हैं। तो इन इन चीजों की हमें जरूरत होगी। एक रेड सॉस बनाएंगे जो कि बहुत ही देसी किस्म की होगी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मजेदार होने वाली है, उसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नॉन स्टिक पैन के अंदर बटर ऐड कर देना है। बटर ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर जो आपका साबुत जीरा आता है उसे आपने ऐड कर देना है और उसे अच्छी तरह भुनना है। इतना भुनना है कि उसकी स्मेल आपको महसूस हो, इसका एक अपना अरोमा होता है, वो अरोमा आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देने हैं। चॉप्ड गार्लिक को आपने अच्छी तरह भुनना है। कलर आपने नहीं देना गार्लिक को क्योंकि हमने आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप गार्लिक को कलर अभी से दे देंगे तो फिर वो जल जाएगा बाद में। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे जो कि हमारे पास पहले से चॉप हुआ रखा हुआ था। प्याज को भी आपने अच्छी तरह भुनना है। अच्छा, प्याज को आपने तब तक भुनना है जब तक उसके ऊपर वो जो हल्का सा ब्राउन कलर जो आता है वो ना आ जाए। आप बिल्कुल अच्छी तरह भुनेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हल्का हल्का भी प्याज के ऊपर कलर आना शुरू हो गया। तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे ये, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। तो अब आपका प्याज ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर टोमेटो जो ब्लेंड हमने करके रख दिए थे उसे हम ऐड करेंगे। टोमेटो ब्लेंड करने के बाद हम उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। मिलने के बाद जिस तरह आप देख रहे होंगे हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। स्पाइस के अंदर रेड चिली पाउडर जो आपकी कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर होता है, उसके अलावा गर्म मसाला, गर्म मसाले के अलावा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर के अलावा सॉल्ट जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है हर चीज़ में, नमक लाजमी होता है, बगैर नमक के किसी चीज़ में कोई टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह आपने इन सारे मसालों को ऐड करना है। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आपके किचन के अंदर इस वक्त आ रही होगी। उसके बाद आपने इस सॉस को अच्छी तरह पकने देना है। सॉस आपके सामने पक रही है, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और अच्छी तरह इस पर उबाल आ रहा है। जब थोड़ा सा टोमेटो सॉस रिड्यूस हो जाए तो आपने इसके अंदर कसूरी मेथी और जो आपकी डबल क्रीम होती है उसे ऐड कर देना है। मेथी की स्मेल बहुत अच्छी आएगी, आपका पूरा किचन में अरोमा जो हम टोमेटो सॉस बना रहे हैं इसका यकीन माने इतना मज़ेदार खुशबू इसकी आ रही होगी कि आप उस वक्त रुक ना सकेंगे। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद आप इसके अंदर अगर नमक की कमी है तो नमक ऐड कर दें, वरना सॉस आपकी तैयार हो जाएगी। तैयार होने का तरीका ये कि सॉस अपनी साइड पर जिसके आपको दिख रहा होगा ऑयल छोड़ देगी। जब सॉस की साइडों पर ऑयल आना शुरू हो जाए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने समझ जाना है कि मेरी सॉस तैयार हो गई है। और उसके लास्ट के अंदर, सबसे एंड के अंदर, हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जैसे एक पेस्ट बनता है इस तरह आपका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। और फिर आपने टोमेटो सॉस को किसी ठंडी जगह रख लेना ताकि आपकी सॉस ठंडी हो जाए। उसके अलावा आपने फिर एक अलग से बॉल लेना है, उस बॉल के अंदर आपने टिक्का मसाला और ऑयल को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने चिकन की अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है। ये पहले से पकी हुई चिकन है जो कि मैंने क्यूब करके रख ली थी और इसकी भी बहुत अच्छा सा एक स्पाइसी सा चिकन आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो वाइट ब्रेड है उसकी हमने एजिस चारों तरफ के कोने अच्छी तरह काट लेने। कटने के बाद मैं तीन पीसेस बना रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपने एक रोलिंग पिन लेके इसे अच्छी तरह बेलन से बिल्कुल फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद जो आपकी स्लाइस चीज होती है जिसे येलो चैटर भी कहा जाता है उसे आप ऐड करेंगे इन दोनों ब्रेड्स के सेंटर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहली ब्रेड के अंदर करके दिखाया। दूसरी ब्रेड में भी इसी तरह मैं चीज़ की फिलिंग कर दूंगा और दूसरी तीसरी हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी। इस ब्रेड के ऊपर हमने टॉपिंग करनी है। टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले मैं टोमेटो पेस्ट लूँगा जो हमारे पास टोमेटो सॉस हमने तैयार की थी। ये बहुत ही स्पाइसी सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस थी, आप यकीन माने इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। मैं इसको वाइट ब्रेड के ऊपर चारों कोनों तक अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगा जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये दूसरी ब्रेड पे मैंने कर दिया। अब मैं तीसरी ब्रेड जो लास्ट ब्रेड है उसके ऊपर कर देता हूँ। ये तीनों ब्रेड्स के ऊपर मैंने अच्छी तरह टोमेटो सॉस को स्प्रेड कर दिया, कोनों कोनों तक आपकी ये सॉस फैल जानी चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर मोजरेला चीज़ ऐड करेंगे। मोजरेला चीज़ हमने तीनों ब्रेड के ऊपर इक्वली
डिवाइड कर देनी है मोजरेला चीज अच्छी तरह, क्योंकि जितना चीजी आपका पिज्जा बनता है, लोग ज्यादातर चीजी पिज्जा खाना पसंद करते हैं, तो अच्छी क्वांटिटी में आपने चीज ऐड करनी है। उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, वेजिटेबल के अंदर आपका कैप्सिकम है, कैप्सिकम और आपका अनियन है। और मेरे मुंह में यकीन मानिए अभी भी पानी आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब इसको बनाया था तो कितना मजे का और कितना जायकेदार ये बना था। तो यकीन माने आपके मुंह में भी यकीनन पानी आ रहा होगा। यम 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 यम। उसके बाद हमने इसके अंदर जो आपकी हमने टिक्का मैरिनेट की हुई चिकन थी उसे ऐड कर देना है अच्छी तरह हर कोने पे, ताकि चिकन का फ्लेवर, चीज़ का फ्लेवर और वेजिटेबल का फ्लेवर हर बाइट में आपको आए। तो तीनों ब्रेड्स के ऊपर हमने सारी फिलिंग्स कर देनी है, लास्ट में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हम चिकन के ऊपर और वेजिटेबल्स के ऊपर ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के बाद चले हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक नॉन स्टिक पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन के अंदर आपने उस ब्रेड को ऐड कर देना है। ब्रेड को ऐड करने के बाद आपने उसके टॉप के ऊपर कोई अगर आपका शीशे का कवर है तो उसे कवर कर लेंगे, या आपके पास अगर कवर नहीं है तो आपने एक दूसरे पैन से उसे कवर कर लेना है और हल्की हीट पे इसको पकाते रहना है। तब तक पकाना है जब तक आपकी ब्रेड का जो नीचे का कलर है वो ब्राउन ना हो जाए, जैसे कि टोस्टेड ब्रेड होती है। तो दोस्तों ब्रेड पिज्जा हमारा तैयार हो चुका है। आप यकीन माने इसकी स्मेल बहुत ही अमेजिंग आ रही है और मैं इसे खाए बगैर नहीं रुक सकता। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। शेफ को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।